उसको बालों से इतना नवाजा गया है, मतलब कि मैं बाल कलाकार हूँ। अच्छा तुझे नहीं मिल रहा। सबसे पहले तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, इस अवार्ड पर आप आए हैं किस कैटेगरी के लिए आज आप नॉमिनेटेड हैं? यार मैं किसी भी कैटेगरी में नॉमिनेटेड नहीं हूँ, मैं सिर्फ लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए आया हूँ। जरूरी नहीं होता कि आप सिर्फ अवार्ड फंक्शन में तब आओ जब आपको अवार्ड मिले, कभी कभी ऐसे भी जाना चाहिए लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए। एंड एक्सेलेंस अवार्ड है, आई वांट टू अप्रिशिएट द एक्सेलेंट वर्क बाय डन विद एवरीबडी इज इनसाइड हु इज गेटिंग एन अवार्ड हैज डन एक्सेलेंट वर्क इन देयर ओन फील्ड, तो बस उनके लिए ताली बजाने में मजा आ जाएगा। भाई क्या डेफिनेशन है आपकी नज़र में अवार्ड की? अवार्ड आपको ये बताता है कि आपने क्या अच्छा किया है, आपको किसके लिए प्यार किया जाता है। अवार्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ना उससे एक बूस्ट मिलता है एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर, पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों का प्यार। अगर वो आपके पास है ना तो वही सबसे बड़ा अवार्ड है। भाई कभी ऐसा हुआ है किसी चीज़ के लिए आपने अवार्ड को एक्सपेक्ट किया हो तब वो अवार्ड ना मिला हो, आप बड़े दुखी हो? अरे बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। जय भानुशाली आ गए। कितना खुशी हुआ मेरे को देख के। साले ऐसे बोले जैसे बाहर मिला ही नहीं हम लोग। मिले लेकिन तू यार। बिग बॉस के बाद में फिर से दोनों साथ में नजर आ रहे हैं आप लोग, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस विशाल मतलब ऑलवेज स्मार्ट एंड हैंडसम डैशिंग, मैं हमेशा उसके बालों से जलन खाता था कि ऊपर वाले ने उसको बालों से इतना नवाजा गया है, मतलब कि मैं बाल कलाकार हूँ। बाल कलाकार है। हाँ। नहीं पर मैं इसको हमेशा बोलता था बिग बॉस के अंदर ट्रस्ट मी, एंड दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ हिम, दिस इज बिकॉज ऑफ माही। जो कपड़े ये पहनता था ना रोज सुबह उठ के, और ये बोलता था, ये मुझे बोलता भी था कि साले मेरे को तेरे चक्कर में मुझे ऐसा लग रहा है अब तो शादी करनी पड़ेगी, तेरी बीवी जिस तरह से कपड़े भेज रही है मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बीवी मेरे लिए ऐसे कपड़े भेजे। और वो रोज सुबह, वी हैड बेड्स नेक्स्ट टू ईच अदर, और रोज सुबह उठ के जय जो कपड़े पहनता था, no one in that house was better dressed than Jay Bhanushal. भाई आपने पूछा नहीं फिर शादी कब कर रहे हैं? आपने पूछा नहीं शादी कब कर रहे हैं? नहीं जिससे कर रही है वो मेरी भी अच्छी दोस्त है, तो मैं उसके अच्छे भले के लिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा टाइम और ले ले। अवार्ड की मैं बात कर रहा था, अवार्ड की डेफिनेशन क्या है भाई आपकी नजर में? भाई ने तो बता दिया। भाई मेरे लिए तो वही अवार्ड है कि पब्लिक मेरा शो देखे, अगर मूवीज करूँ तो यू नो टिकट खरीद के मूवीज देखे, और वेब शो में यू नो सब्सक्रिप्शन करके क्या कहते हैं हमारा शो देखे, उससे बड़ा आई थिंक यू नो कोई अवार्ड नहीं है। ये तो यू नो एक ग्रैटिट्यूड है अवार्ड फंक्शन के तरफ से, बाकी मेरे लिए उससे बड़ा कोई ऐसा अवार्ड नहीं है, क्योंकि हम सब यू नो जीते ही हैं इस चीज़ के लिए कि हम एक्टर्स जब जाएँ तो हमसे हमारे से फ़ोटो लिया जाए, या फिर यू नो हमारे साथ यू नो अच्छी तरह से यू नो लोग बोले कि यू नो आपका काम अच्छा लगता है, या तो इससे आई थिंक यू नो पब्लिक के जो दिल से जो ये आवाज़ आती है, आई थिंक उससे बड़ा अवार्ड मेरे लिए कोई भी नहीं है। और okay, मेरा सवाल अभी मेरा विशाल से हुआ था, जब आपकी एंट्री हुई, कभी ऐसा हुआ है जो आपने किसी रोल के लिए, किसी किरदार के लिए, किसी फिल्म के लिए आपने अवार्ड एक्सपेक्ट किया हो और आपको ना मिला हो, वहाँ पे आप डिसअपॉइंटेड हो? यू नो द बेस्ट पार्ट अबाउट मी इज़ कि मैं कोई अवार्ड के लिए कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करता हूँ। मैंने जैसे पहले से कहा था कि मैं ऐसा बहुत बार होता है दैट यू नो मुझे अवार्ड भी मिल रहा है लेकिन मैं पहुँच नहीं पाता हूँ, तो मेरे लिए बस वही है कि बॉस अगर पब्लिक ने पब्लिक सीटी मारे हमारे काम को देख के, उससे बड़ा अवार्ड हो ही नहीं सकता। और मैं जिसलिए जय और वीरू कम्प्लीटली ऑपोजिट टू ईच अदर है, मैं हर अवार्ड फंक्शन में जाकर सोचता हूँ कि मुझे अवार्ड मिले मुझे। अच्छा तुझे नहीं मिल रहा? मुझे तो मिल रहा है।